हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए टाटा मेटालिक्स की तरफ से। गाइज यहाँ पर टाटा मेटालिक्स में रिक्रूटमेंट आई हुई है, डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट पे। बीटेक वालों के लिए भी आई है एक अलग रिक्रूटमेंट, डिप्लोमा वालों के लिए आई हुई है रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट है बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए। और आईटी वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है। दोस्तों आईटी वालों के लिए भले ही ये अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, लेकिन बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर परमानेंट होने का अगर आपने आईटीआई से अप्रेंटिस कर रहे हो। इसके अलावा दोस्तों बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए परमानेंट जॉब है। वीडियो के स्टार्ट में ही बता दे रहा हूँ, बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए परमानेंट जॉब है। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फ्रेशर्स दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। गाइज हम इन सारी वीडियोस, इन सारी अपडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हम लगातार जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड, आंसर की, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पे लगातार डिटेल वीडियो बनाते हैं। अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड हैं तो जरूर चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों ये एक परमानेंट जॉब है बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव हो सके। चलिए मैं दोस्तों एक बार पेपर कटिंग का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन उसे दिखा देता हूँ, इसके बाद फुल नोटिफिकेशन पे साइट पे विजिट करके सारी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कशन कर दूंगा। चलिए पहले मैं एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक आज के ही न्यूज़पेपर का शॉर्ट नोटिफिकेशन है, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड। दोस्तों टाटा मेटालिक्स लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है टाटा स्टील की, और आप सभी जानते हैं अगर प्राइवेट कंपनियां, ये इस तरह टाटा स्टील जैसी कंपनियां बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज देती हैं जो भी उनके यहाँ कैंडिडेट्स काम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में इनकी सब बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है। यहाँ पर परमानेंट जॉब में अगर ऑफिसर पोजीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको बीटेक चाहिए या फिर अगर हमने डिप्लोमा करके रखा हुआ मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों भले ही यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप जब फुल नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, मैं उसको बता दूंगा। डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर वर्कर में जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, देखिए आप देख सकते हैं आईटीआई कैंडिडेट्स में अगर आपने आईटीआई करके हुई है, इलेक्ट्रीशियन, मोल्डर, मर्सिनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, तो अभी आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मिनिमम जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप समझिएगा कि फ्रेशर्स भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा साल अप्लाई करने वाले को अप्रेंटिसशिप करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए मैं एक बार ऑफिशियल साइट पर आता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो डिटेल जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहां पे गाइस हम हैं टाटा मेटालिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो डोंट वरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कैरियर सेक्शन, ठीक है। अब इस कैरियर सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप कैरियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो ये वर्क विद अश अलाव वाला ऑप्शन आ रहा है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। गाइज जैसे ही हमने वर्क विद अश वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारा जो न्यू पेज ओपन हुआ वहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एडवर्टीजमेंट लगातार लगे हुए हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर TML04 रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर, जहां पर बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और TML04 रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा ट्रेनीस ऑब्लिक सुपरवाइजर, यहां पे दोस्तों फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट नंबर TML04 रिक्रूटमेंट फॉर एडवर्टीजमेंट अप्रेंटिस ऑब्लिक इंडस्ट्रियल ट्रेनी ऑब्लिक वर्कर, ठीक है। तो पहले दोस्तों मैं TML04 इसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनीस की जो रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे प्लस साइन है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्लस साइन में तो सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा ट्रेनी ऑब्लिक सुपरवाइजर, देखिए पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, फॉर एंट्री लेवल कैंडिडेट्स विदाउट एक्सपीरियंस विल बी अपॉइंटेड एज डिप्लोमा ट्रेनी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, समझिएगा इस चीज़ को, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है, जो भी ट्रेड्स मैंने बताई हुई हैं, अगर आपने उस क्षेत्र से डिप्लोमा करके रखा हुआ और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 1 ईयर के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट पर आपको लाया जाएगा। और इसके बाद 1 ईयर के बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुल, आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, परमानेंट पोजीशन, देखिए एक चीज मेंशन है यहाँ पर, परमानेंट पोजीशन एज सुपरवाइजर इन एप्लीकेबल डिजाइनेशन एज पर द एक्जिस्टिंग पॉलिसीज। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वीडियो के स्टार्ट में बता दिया, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट सुपरवाइजर की पोजीशन पे आ जाएंगे, जो भी कंपनी की नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट सुपरवाइजर की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी फॉर्म को फिलअप करिए और इसके अलावा डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी फॉर्म को फिलअप करिए।
जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एरियाज ऑफ इंगेजमेंट, आपकी ट्रेनिंग के मतलब कहाँ कहाँ आपको इंगेज किया जाएगा। प्रोजेक्ट्स ऑब्लिक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और अदर डिपार्टमेंट एट खड़गपुर, खड़गपुर में आपकी जॉब लोकेशन होने वाली खड़गपुर में। तो यहाँ पर अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि ICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डक्टाइल आयरन पाइप प्लांट इन एरियाज ऑफ कास्टिंग एनिलिंग मेल्टिंग, अगर इनके पास एक्सपीरियंस इस क्षेत्रों का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स फुल टाइम का कोर्स किए हैं वो भी एप्लीकेबल हैं। और अगर हम मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले तो मेनली आई साइट की प्रॉब्लम दी गई है। अगर आपके पास आई साइट है, प्रॉब्लम है आईज में, लेकिन आपके चश्मे का पावर प्लस माइनस 4 है, मैक्सिमम प्लस माइनस 4 है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों, जिसके चश्मे के पावर प्लस माइनस 4 है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, और जिसका चश्मे का पावर नहीं है वो तो फॉर्म को फिलअप करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर इन एडिशन टू द एबव देर आर अदर मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी है जो कि इन द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय द फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर। जब आपका मेडिकल फैक्ट्री ऑफिसर फिट करेगा तभी आप फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपनसेशन, आपका सैलरी पैकेज, अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जैसा कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको पहले साल 18,000 का स्टाइफंड मिलेगा ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम ऑफ पीरियड। इसके बाद जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट का, जो भी सुपरवाइजर का इनका पे स्केल होता होगा उस अकॉर्डिंग आपको पे मिलेगा। बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं टाटा स्टील, टाटा पावर, टॉर पावर, हर सेक्टर्स में टाटा का नाम है। तो अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, और आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि आपको अपलोड करना होगा फोटोग्राफ, 10th 12th की मार्कशीट, इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी वो फॉर्म को फिलअप करने में मांगे आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, जो लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से बुलाया जाएगा, और रिटन टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू डेट्स विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट, मतलब जो भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड होगा उनको उन्हीं कैंडिडेट्स को मेल या SMS के थ्रू, या फिर जो भी आप रजिस्टर्ड मेल ID या रजिस्टर्ड फोन नंबर करोगे उस पे SMS के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, एक हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर से अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप यहां से कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, यहां पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, तो डायरेक्ट दोस्तों मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे उसको अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं अब जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है, TML/JO4 रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर। यहां पे दोस्तों एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगर आपके पास BBTech है मैकेनिकल मेटलर्जी प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल और ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा कठिन क्राइटेरिया है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और BBTech वालों के लिए दोस्तों आई थिंक 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आई साइट सेम है प्लस माइनस 4, ठीक है, और कंपनसेशन जो भी होगा वो कंपनी का जो भी बेनिफिट होगा, जो भी कंपनी का रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से मिलेगा। और डोंट वरी दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर्स में टाटा से ज्यादा पैसा कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो इस चीज़ को भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। सेम वही प्रोसीजर होने वाला है, आपका एक ऑनलाइन CBT टेस्ट होगा, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कोई भी क्वेरीज हो, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया, उसे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं IT वालों कैंडिडेट्स के लिए भी एक जबरदस्त मौका है। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर अप्रेंटिस ऑब्लिक इंडस्ट्रियल ट्रेनी वर्कर, इसे अगर मैं रीड मोर करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रेंटिस ट्रेनी ऑब्लिक इंडस्ट्रियल रीड वर्क इंडस्ट्रियल ट्रेनी ऑब्लिक वर्कर इन एप्लीकेबल डिजिनेशन एज पर द कंपनी नॉर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेशर्स कैंडिडेट्स, मैंने पहले ही बता दिया, फ्रेशर्स भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जिनके पास 3 साल से कम एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड्स की बात कर लेते हैं तो फिटर फाउंड्री यहाँ पे मेंशन है, फिटर फाउंड्री मोल्डर मशीनिस्ट वेल्डर टर्नर इलेक्ट्रीशियन एंड मिल राइट मैकेनिक, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से बैच के पास आउट लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है सर। और इसके बाद अगर हम बात करें आई साइट की, तो आई साइट में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही सेम क्राइटेरिया है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसी पेज का डायरेक्ट दोस्तों इसी पेज का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको क्या होगा कि इजी क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको TML/04 का फॉर्म फिलअप करना है या फिर TML/05 का फॉर्म फिलअप करना है, तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर क्लिक करके नीचे अप्लाई ऑनलाइन, जैसे मैं खोल दूँ कि TML/04 का मैं डिप्लोमा सुपरवाइजर का क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्लस वाले साइन पे, तो नीचे देखिए, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन,
अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे एकदम साफ मेंशन है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू पेज दोस्तों ओपन ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर न्यू, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है सॉरी अगर आपने पिछले 6 महीने से पहले कोई भी ऐसी पोस्ट में अप्लाई किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप पिछले 6 महीने से पहले 6 महीने तक पिछले 6 महीनों में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है इसी विभाग में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आपने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा पिछले 6 महीनों में, तो आप जरूर अप्लाई करिए। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का न्यू लिंक है, न्यू कैंडिडेट्स के लिंक, तो यहाँ पर जैसे ही आप न्यू पेज ओपन होगा दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके बाद देखिए आपका पोस्ट नेम पोजीशन क्या क्या अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, ये सारी चीज़ डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर फॉर्म को अप्लाई करने में दोस्तों कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं एक अप्लाई करने का लिंक बना दूंगा, अप्लाई करने की वीडियो बना दूंगा कि टाटा मेटालिक्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई डिटेल अगर मुझसे रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सभी लोग के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। लेकिन दोस्तों पहले वीडियो पूरी वॉच कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पहले ही वीडियो के आते ही कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर ये क्या होगा वो क्या होगा। एटलीस्ट आप वीडियो पूरी देखिए, इसके बाद अगर आपका कोई डाउट है फिर आप मुझसे पूछिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा रिप्लाई करने में। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके और हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सके आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाने। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।